नियुक्ति दो, हर महीने को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, हर महीने को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, हर महीने को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, हर महीने का जिंदाबाद, 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 नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, हर महीने को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, हर महीने को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, हर महीने को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, हर महीने का जिंदाबाद, 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 हर महीने को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, जिंदाबाद, हर महीने का 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 जिंदाबाद, हर महीने को नियुक्ति दो, हर किसी से भी मांगते, हमारा हक मांगते, किसी से भी मांगते, किसी से भी मांगते, हम हमारा हक मांगते, किसी से भी मांगते, हमारा हक मांगते, किसी से भी मांगते, देखो अगस्त 2021 में ये भर्ती आई थी और फिर जनवरी 2022 में एग्ज़ाम हुआ था और अगस्त 2023 में इसका परिणाम आया है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। कल से हमारा लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है। कल जब सुबह निदेशक मोदी जी से वार्ता हुई, इन्होंने शाम तक आश्वासन दिया था, सारे अभ्यर्थियों ने शाम तक इंतजार किया, लेकिन 480 अभ्यर्थी जो चयनित है उनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए। ऐसे में यौम बड़ा आक्रोश है और जब तक संघर्ष जारी रहेगा, जब तक इनकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो जाए, एक बार फिर हमने आज डीएलबी के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और मांग करें कि तत्काल 480 चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किया जाए। 21, 22 और 23 खत्म होने वाले हैं। आखिरकार युवाओं को न्याय कब मिलेगा, कब नियुक्ति कब मिलेगी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है और तमाम अधिकारियों से निवेदन है कि इसलिए की गई थी कि जल्द से जल्द निगमों को, निकायों को राहत मिले और वहाँ पर फायर गतिविधियाँ जो है, सिस्टम जो है वो सुधार हो। तो तभी तो हम कह रहे हैं ना, 2021 से भर्ती निकली थी, 22 और 23 जा चुके, लेकिन 23 अगस्त को जो परिणाम जारी हुआ था 2023 में, अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई। कह रहे थे इस वीक, समझ में नहीं आ रहे इनका वीक कब खत्म होगा। कल भी कल शाम के लिए आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी हम डटे रहे, हमारे साथी यहाँ रात को इधर सोते रहे, परेशान हो रहे थे, फिर दोबारा हम डीएलबी के बाहर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। अभी भी जो पद है वो रिक्त है, जो 120 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में डाला गया है, उस संबंध में कल ही हमने कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव साहब को ज्ञापन दिया कि उनका तत्काल उनका परिणाम जारी किया जाए। लेकिन जो जो बिल्कुल सही है, योग्य है, जिन 480 लोगों के नियुक्ति प्रक्रिया में कोई भी अड़ंगा नहीं है, वो पूरी तैयारी विभाग ने तैयारी कर रखी है और विभागीय अधिकारियों कहना कि मंत्री से फाइल नहीं आई, मंत्री के साइन होकर फाइल आ जाएगी, हम आधे घंटे में आदेश जारी कर देंगे। तो मंत्री जी से साइन फाइल मंगवा लीजिए, आजकल तो ई फाइल के माध्यम से कभी भी सिग्नेचर हो सकते हैं। तत्काल आप आदेश जारी करें, जिसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। शाम को 6 बजे CMO में अधिकारियों से हमारा प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होगी, लेकिन जब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो जाता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सर, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, कल से दो दौर की वार्ता हुई, जिसमें वार्ता में अधिकारी महोदय ने कुछ स्पष्ट नहीं बताया, वो इस बात को टाल मटोल कर रहे हैं। 2021 से ये भर्ती आई है, जब से वो टाल मटोल ही कर रहे हैं। हमें तत्काल नियुक्ति दी जाए मीडिया माध्यम, और मैं युवा शक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा साथ दे। एक तरफ सरकार अंधाधुंध रेवड़ियाँ बांट रही है, आंधी पीछे कुत्ता खाए, दूसरी तरफ हम जो बेरोजगार हैं, जिनको अपना हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमारे पिताजी किसान हैं, वो खेतों में इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा कब नियुक्ति लेके आएगा और अपनी ज्वाइनिंग लेगा, जबकि हम फार्म भरने के बाद में दर दर की ठोकरें खाई, एग्ज़ाम करवाने के लिए उपेंद्र जी ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया, उसके बाद में एग्ज़ाम हुआ। नेक्स्ट सर, हम यहीं बैठेंगे जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। हमने कल किसी बच्चे ने यहाँ खाना पीने नहीं किया है, रात को यहीं रहे और यहाँ हम पास में एक सुलभ शौचालय उसमें नहाकर अब सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ बैठे हैं। सुबह से अधिकारी कुछ भी हमारी सुध नहीं ले रहे हैं, हम इनके बच्चे हैं, इन्होंने भी बेरोजगारी भोगी है।
लेकिन इस तरह जिस तरह हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है, हम जिस पद के लिए जा रहे हैं फायरमैन के लिए, वो एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत आता है, इमरजेंसी सुविधाएं उनसे ली जाती है, लेकिन सर हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। एक महत्वपूर्ण पद को 2 साल से अटकाया जा रहा है। मैं इसे सरकार के इस कदम को गलत बताता हूँ। सर एक महीना हो गया 2 गुना का रिजल्ट आया हुआ है अभी तक, 1 महीने में इन्हें आ जानी चाहिए थी जॉइनिंग, 10 दिन में आने का आश्वासन दिया था पहले हम DLB आए थे तो, फिर भी 10 दिन में नहीं आई और अब भी नहीं आ रही, और कल से हम यहीं पे बैठे हैं और लगातार इन्हें सभी नहीं खाना पीना कुछ भी नहीं खा रहे हैं, यहीं पे बैठे थे और नाइट में भी यहीं पे रुके थे और आज भी हम यहीं पे रुके रहेंगे जब तक नहीं आएगी नियुक्ति तब तक। सर अब कब, जब तक नियुक्ति नहीं आएंगे तब तक इंतज़ार करेंगे और कब तक करें आप इंतज़ार सर? टाइम हर वीक पे वीक और तारीख पे तारीख दे रहे हैं, इससे क्या होगा सर? हमें भी तो उन्हें इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होनी चाहिए ना, और अब देना चाहिए ना नियुक्ति, देनी चाहिए सर इनको। अगला कदम हमारे सारे फायरमैन अभ्यर्थियों का एक ही, हमारी एक राय यही है कि ये तो सरकार को सोचना है कि आने वाले 7-8 दिन में जब आचार संहिता लग जाएगी, और अगर मैं अंदेशा हमें इस बात का अंदेशा है, अगर हमें नियुक्ति नहीं मिलती है तो मैं सरकार से फायरमैनों की तरफ से बताना चाहता हूं कि हमारा जो प्रदर्शन, हम वाकई में गिनती में कम है लेकिन हमारी योग्यता कम नहीं है, हमारी किसी भी ताकत हमारी कम नहीं है, क्योंकि जो हमारी युवा शक्ति है वो आने वाले चुनावों में एक अहम भूमिका निभाएगी, और जब वोटों की गिनती पड़ेगी तब इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने पड़ रहा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी बेरोजगार साथियों को, बेरोजगार अभ्यर्थियों को और फायरमैनों को राहत देने की कोशिश करें और एक प्रयास करें, अन्यथा आपको आने वाले परिणामों के अंदर इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा फायरमैन, और हमारा जो प्रदर्शन है, जब तक हमें नियुक्ति आदेश नहीं मिल जाते हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, हम अनंत काल तक यहाँ पर नियुक्ति आदेश तक यहाँ पर रुके रहेंगे, यही हमारा संदेश है। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भी मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भी मांगते हैं, यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, फायरमैनों को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, फायरमैन।